वेलकम टू बैचलर्स कुकिंग। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे चिकन मोमो। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत सिंपल स्टफिंग इसकी तैयार होगी। इसके लिए हमने ये बोनलेस चिकन लिया हुआ है, नींबू लिया हुआ है, काली मिर्च ली हुई है। बस इतने से ही हमें स्टफिंग तैयार करनी है। हाँ, नमक जरूरी है तो नमक भी लेंगे हम। इसके अलावा ये मैंने मैदा है जिसको गुनगुने पानी में गूंद के सॉफ्ट डो बनाया है, और उसके बाद एक मलमल के कपड़े से, गीले मलमल के कपड़े से ढक के 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो ये मैदा गूंद के रखा है मैंने, और ये मैदा और पानी का पेस्ट बना लिया है सील करने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन मोमो। तो ये सबसे पहले चिकन ले लें और इसको कट कर लें, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें इस तरह से। वैसे कुछ लोग बड़े टुकड़े भी स्टफिंग में इस्तेमाल करते हैं, साबुत स्टफिंग रखते हैं। तो ये हमने चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब क्या करना है, ये चिकन को करें साइड और एक पैन ले लें। पैन में डालें थोड़ा सा तेल, लगभग एक चम्मच, और ये मेरे पास नींबू है तो नींबू को कट कर लें। और ये जो चिकन हमने लिया हुआ है इसके ऊपर ये नींबू का रस डाल दें और इसको हल्का सा हाथ से मिक्स कर लें, और इसको भी साइड कर देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसको फैला लें। और ये जो चिकन है जिसमें हमने नींबू का रस डाला है, इसको अब हम इस तेल में डाल देंगे और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक अच्छी तरह से चलाते हुए कुक कर लेंगे। चिकन का जो मॉइस्चर है, जो पानी है, वो पूरी तरह से निकल जाना चाहिए, नहीं तो जो मोमोज हैं हमारे वो फट जाएंगे। तो इसको आप टॉस कर लें, और साथ में आप चाहें तो थोड़ा नींबू का रस और निचोड़ लें और इसको अच्छी तरह से कुक होने दें। जब तक कि चिकन का पूरा मॉइस्चर नहीं सूख जाता है, तब तक हमें इसको कुक करना है और चलाते हुए कुक करना है, ताकि चिकन इवनली चारों तरफ से कुक हो जाए। ब्लैक पेपर थोड़ा सा बचा हुआ, और इसको जब स्टीम होगा और भी कुक होगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपका चिकन कुक हो चुका है लेकिन मॉइस्चर, तो चिकन जो है ये हमारा लगभग कुक हो चुका है, अब क्या करें, मैदा लें, इसमें डालें और इस तरह से मैदा चिकन के ऊपर बुरक दें और इसको तेजी से चलाएं। इससे क्या होगा, जो मैदा है वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर को सोख लेगा और आपका जो मोमोज आप बनाएंगे वो फटेंगे नहीं। तो ये हमारा चिकन अब पूरी तरह से कुक हो चुका है। तो फ्लेम करते हैं बंद और इसको रखते हैं साइड में। हम बनाना शुरू करते हैं मोमोज। तो ये जो मैदा हमने गूंथ के रखी थी, इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें इस तरह से, और पेड़े बनाकर हाथ से ही इसे पहले फ्लैट कर लें। पेड़े बनाने के बाद इस तरह से इसको पहले फ्लैट कर लें, और फ्लैट करने के बाद इसको बेल लेना है। तो ये हमने बेल लिया है, और बेलने के बाद इसके एजेस कट कर दें। और ये एजेस निकाल दें। और अब हमें क्या करना है, ये जो शीट तैयार हुई इसको रखें, इसके बीच में रखें चिकन इस तरह से। ये स्टफिंग रख लें और कॉर्नर्स पे आप ये मैदा और पानी का जो पेस्ट हमने बनाया है वो लगा दें। और अब इसकी पोटली बना देंगे इस तरह से, ऐसे और ऐसे उठा के ये एक पोटली जैसा तैयार कर दें। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये आप जिस शेप के चाहें मोमोज वैसे बना सकते हैं। सारे मोमोज तैयार हो गए, चलिए अब इनको स्टीम करते हैं। तो हमारे मोमोज जो हैं स्टीम हो चुके हैं। चलिए, तो ये हमारे गर्मा गर्म चिकन मोमोज तैयार हैं। इसको
ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व करें और तीखी सी चटनी के साथ सर्व करें, तो जरूर ट्राई कीजिएगा चिकन मोमोज।